मैं उस परमपिता परमेश्वर को सत सत प्रणाम करती हूँ जिसने कि मुझे आपके समक्ष आने का साहस प्रदान किया। मैं तो सिर्फ कथाएं सुना रही हूँ, कथाएं तो प्राचीन ही हैं, मैं तो उनको थोड़ा सा सुनाने का साहस कर रही हूँ। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, ए श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, ए राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे तकदीर बदल जाए, ए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। राधा, राधा नाम अनमोल है, जो भी राधे का नाम लेता है तो वह इस भवसागर से पार हो जाता है। राधा नाम की महिमा बहुत अधिक है, राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, चाहे राधा को जपो चाहे कृष्ण को जपो। अगर कृष्ण को जपोगे तो राधा मिलेंगी, राधा राधा जपोगे तो कृष्ण को तो आना ही पड़ेगा, इसीलिए राधे को ही जपो। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ। बरसाने, बरसाने में राधा रानी का जन्म स्थान है। राधा रानी तो बरसाने की छोरी थी और कृष्ण भगवान गोकुल के, लेकिन इन लोगों में बड़ा ही अधिक प्रेम था। एक बार क्या हुआ कि एक सारंगी वाले बाबा जी थे, वो राधा के मंदिर में हमेशा सारंगी बजाते थे, राधा के यहाँ बैठते और गाना गाते रहते थे। सारंगी में हमेशा उनकी यही धुन निकलती थी, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। बस उनकी सारंगी से 24 घंटा एक ही धुन निकलती थी और सब लोग आते थे, और जो भी राधा जी के दर्शन करने के लिए जाते थे वो सारंगी वाले बाबा को, कुछ ना कुछ देते जाते थे। इसी में उनके घर का गुजर चल रहा था। घर में दो ही प्राणी थे, एक तो बाबा और एक उनकी लड़की। उनकी लड़की 16-17 साल की थी, उसका नाम उन्होंने राधा रख लिया था, राधा। वो अपने घर भी आते थे तो भी 24 घंटे अपनी लड़की को बुलाते थे, राधा 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 ही नाम उनको बड़ा प्रिय था। उनका जीवन, सारा जीवन सिर्फ राधा के भजन करते ही निकल गया था। सुबह से अपनी सारंगी लेके जाते और रात तक, जब तक राधा की शयन नहीं हो जाती तब तक राधा को अपने भजन सुनाते रहते थे, और बड़े मधुर रहते थे, बड़े खुश रहते थे। उनका जीवन बड़ी खुशी से, आनंद से बीत रहा था। उनको किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं थी, वो मस्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सब गांव वाले कहने लगे, बरसाने वाले कहने लगे कि बाबा आपकी लड़की शादी के लायक हो गई है, अब तो आपको इसकी शादी कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि
कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं है कि मैं लड़की के लिए घर ढूँढूँ बर ढूँढूँ और उसकी फिर शादी करूँ, मैं क्या करूँ। अब जब राधा रानी की कृपा होगी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। तो सब गांव वालों ने मिलके उनके लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढ दिया और लड़का ढूंढने के बाद उस लड़की की शादी भी करवा दी। शादी हो गई, लड़की अपने ससुराल चली गई। अब जब लड़की की विदा हो गई तो वो बाबा अकेले रह गए। अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, एक लड़की थी वो भी चली गई। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि मेरी राधा मेरे घर से चली गई। वो तो उसको राधा ही मानते थे, लड़की को भी राधा ही मानते थे। बाबा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया और ना ही सारंगी बजाई, और राधा के मंदिर में भी नहीं गए, नीचे सीढ़ियों पे बैठे थे। 3रा दिन था, बाबा तो बहुत ही अधिक दुबले दुखी और बेहोश टाइप के होने लगे थे। तभी दोपहर में एक बालिका आई और उसने कहा कि बाबा मंदिर नहीं चलोगे। तो बाबा ने कहा नहीं बेटा, मेरी मंदिर जाने की इच्छा नहीं है, अब मेरी सारंगी बजाने की कोई इच्छा नहीं है। तो वो बालिका कहने लगी नहीं बाबा, मुझे तो आपकी सारंगी सुनना है, आप तो मेरे संग मंदिर चलो, बहुत दिनों से आपकी सारंगी नहीं सुनी है, अतः अच्छा नहीं लग रहा है। और उसने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा को अपने संग जीना चढ़ाती हुई ऊपर ले गई। उस बालिका के सहारे से सारे बरसाने वालों ने गांव वालों ने देखा कि एक बालिका के संग बाबा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और बस फिर उसके बाद उनको सारंगी वाले बाबा दिखाई नहीं दिए। बहुत दिन हो गए, सब लोग कहने लगे कि सारंगी वाले बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। सब लोग कहने लगे नहीं नहीं वो तो राधा रानी के मंदिर तक तो देखा है, फिर उसके बाद नहीं देखे। और वो लड़की जो है अपने मंदिर में चली गई। अब सारंगी वाले बाबा नहीं देखे, 15-20 दिन हो गए। एक दिन रात में पंडित जी ने राधा रानी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद उनका शयन किया और शयन करने के बाद उन्होंने परकम्मा लगाना शुरू किया। जैसे ही मंदिर का परकम्मा लगाया तो उनको बाबा जी दिख गए और उन्होंने बाबा जी से कहा राधे राधे। तो बाबा जी ने कुछ नहीं बोला और उनके हाथ में वही पान था, वह पान का बीड़ा था जो कि पंडित जी ने राधा को रात में लगाया था भोग में। वो बीड़ा देखकर और उनके चेहरे का तेज देखकर वो समझ गए कि ये तो राधा में समा गए हैं, इन्होंने तो राधा में ही अपना घर ले लिया है और वहीं रहते हैं और राधा इनकी पूरी व्यवस्था करती हैं। वो सुबह आए तो उनने सबको इस कथा को सुनाया तो किसी को भी विश्वास हुआ, किसी को नहीं हुआ। पर पंडित जी को तो पूरा विश्वास हो गया था कि राधा रानी ही उनकी सुरक्षा कर रही हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि राधा नाम का बड़ा महत्व है, अतः राधे को तो जपना ही चाहिए। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती हो तो लाल बटन को दबाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सदस्य बनिए और बगल में एक घंटी है उसको भी दबाइए, जिससे कि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले और सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।